सार्धे परम ब्रह्म ओम। परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, प्रबंधक जी, विद्यालय के कार्यकारिणी के सदस्य श्रीमान बाबू ईश नारायण सिंह जी, माननीय प्रधानाचार्य जी, हमारे आचार्य बंध दीदियाँ, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री सद्गुरुवे नमः। हम सभी जानते हैं कि गुरु की वंदना सबसे प्रथम वंदना की जाती है। यदि गुरु कृपा कर देता है तो हम अपने जीवन में कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। अभी हम जिस महान विभूति के विषय में सुन रहे थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी को चेन्नई के तिरुमणि नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिताजी का नाम सर्वपल्ली वीरा स्वामी और माता का नाम सीतमा देवी था। आप सबको अभी आचार्य जी के माध्यम से इनके जीवन की तमाम घटनाओं के बारे में विस्तार से आपको सुनने को मिला। 7 वर्ष की आयु तक ये अपने गांव में ही शिक्षा ग्रहण किए। तत्पश्चात एक मिशनरी स्कूल में इनके पिताजी इनका दाखिला करवा देते हैं। लूथर मिशनरी पब्लिक स्कूल के नाम से था, जहां पर वह सन 1896 से लेकर सन 1900 तक वहां अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं। तत्पश्चात ये बेल्लूर के कॉलेज में जाते हैं, वहां अपनी शिक्षा जारी रखते हैं। 1906 ईस्वी में आप दर्शन शास्त्र से एम करने के बाद सन 1909 ईस्वी में आप कलकत्ता विश्वविद्यालय में अध्यक्ष प्राध्यापक के रूप में आपका चयन होता है। वहां कुछ दिन कार्य करने के पश्चात आप उप कुलपति के लिए भी आपका चुनाव का कार्य 1 वर्ष करने के पश्चात आप बीएचयू में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पर संभालते हैं। यहाँ आने के पश्चात आप लेखन का कार्य जारी रखते हैं। हिंदू दर्शन में आपकी अटूट श्रद्धा और रुचि थी, इसलिए कि आप वीर सावरकर और विवेकानंद जैसे व्यक्ति से आप प्रभावित थे और उन्हीं को आप अपना आदर्श मानते थे। उनके आदर्श जीवन से ही आप प्रेरणा लेते थे। इनकी कुछ पुस्तकें उपकुलपति के दौरान जो इनकी पुस्तकें लिखी गई वो था धर्म और समाज, भगवान बुद्ध का जीवन और दर्शन, विश्व और भारत का दर्शन। ये भारतीय दर्शन को बड़ा ही महत्व देते थे। हिंदू धर्म में इनकी विशेष रुचि थी। 1954 ईस्वी में इनको भारत रत्न के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1952 से 1962 तक आप उपराष्ट्रपति के पद पर कार्यरत रहे। तत्पश्चात 1962 में आप राष्ट्रपति पद को संभालते हैं। राष्ट्रपति के पद को संभालने के बाद उसमें भारत और चीन का युद्ध भी होता है, जिसमें भारत की हार भी होती है। उस कारण से इनको बड़ा आघात लगता है और 1967 ईस्वी में जब ये गणतंत्र दिवस के अवसर पर लाल किले पर अपना राष्ट्रपति का भाषण देते हैं, उसी दौरान इन्होंने कहा था कि मैं अब राष्ट्रपति के पद को स्वीकार नहीं करता और अब आगे मेरी इच्छा है कि जिस प्रकार के दो दो प्रधानमंत्रियों को मैंने खोया है, जो क्षति हमें उठानी पड़ी है, अब मैं इसे राष्ट्रपति के पद में स्वीकार नहीं करता हूं।